गाइस यार इतने सारे पार्सल, माय गॉड, खोलते खोलते मेरी मम्मी याद आ गई मुझे। सेमी पता नहीं यार ये इतने सारे पार्सल आखिर है किस चीज के, कहां कहां से आए हैं यार। अरे मुझे कोई तो आइडिया दो, इतने सारे पार्सल कहां से आए और ये क्यों खोलने पड़ रहे हैं यार मेरे को। मेरे को सही में कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मुझसे ना खोले इतने सारे पार्सल। अरे एक सेकेंड, इन पार्सल्स के ऊपर चाइनीज में कुछ लिख रहा है भाई, चाइना से भी आए हैं। और ये क्या यहाँ पर भाई, अमेरिका से? अबे कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या पता चल रहा है भाई ये सब। अरे सीसीटीवी मैन, अबे क्या चल रहा है, कहाँ से आए ये सब। अरे आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। क्या, हैप्पी बर्थडे? ओ मुझे माफ करना, मैं भूल गया था, मुझे नहीं पता था। अरे हमने कभी तुम्हें बताया ही नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं पता था। अंकल शुक्रिया शुक्रिया। अगर तुम्हें सुमित नहीं खोलने होते ये पार्सल, रहने दो, हम खोल लेंगे बाद में। तुम आज हमारे साथ सेलिब्रेट करो, तुम भी हमारे घर के मेंबर हो। अरे यार ये लोग सेमी कितने ज्यादा अच्छे हैं, मेरे जैसे नौकर को अपने घर का सदस्य मानते हैं। अरे अंकल चलो चलो हम दोनों केक लेने चलते हैं। केक लेने चलते हैं मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं, आपके साथ चलूंगा केक लेने। ओह माय गॉड, सोच सोच के रोना आ रहा भाई, कितने अच्छे लोग हैं यार ये सेमी। अरे भाई साहब अभी ये कौन आ रहा है ट्रक लेके, अब हॉर्न बजाता आ रहा पागलों की तरह। अरे ये तो घर में आ रहा है। अरे पता नहीं कौन है, अरे ये घर में आ गया अंदर। अरे पापा ये क्या है? भाई पता नहीं यार क्या चीज है ये, पता नहीं कौन आया है। अरे अरे मैं आया हूँ मैं आया हूँ। अरे ये कौन है? अरे मैं हूँ स्पीकर मैन। अरे तू कौन है भिखारी? ओए भिखारी भिखारी नहीं हूँ मैं। हैप्पी बर्थडे सीसीटीवी मैन के बेटे, हैप्पी बर्थडे। और ये देखो कौन भिखारी पता नहीं बनियान में खड़ा है यहाँ पर। अरे बड़ा बदतमीज आदमी है। अरे ये हमारा नौकर है, इससे ऐसे बात मत करो। अरे नौकर से तो ऐसे ही बात करते हैं, और इससे कैसे बात करूं मैं इस नौकर से। अरे भाभी जी नमस्ते। हाँ चलो चढ़ो चढ़ो चढ़ो, देखिए मैं आपके बेटे के बर्थडे पर कितना बड़ा वाला गिफ्ट लेके आया हूँ, कैसा लगा देखिए गिफ्ट। चलो इसको नीचे उतारता हूँ, ये देखिए इसके अंदर एक इतनी खतरनाक चीज है कि आपके बेटे को मजा आ जाएगा। चलिए आप खोलिए खोलिए, मैं साइड में खड़ा होता हूँ, खोलिए। एक बार इसे खोल ले तो फिर मजा आएगा इनको। अरे पापा देख रहे हो अंकल जी कितना अच्छा गिफ्ट लेके आए, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। चलो मैं इसे जल्दी से खोलता हूँ। ओ भाई साहब इसको अभी पैर से मार मार के खोल दूंगा, अभी रुको ये खोल दिया। ये क्या? पापा! ओ गाइस यार ये क्या हुआ यहाँ पर? सभी के सभी लोगों को मार डाला। गाइस यार ये क्या, भाई साहब उस गिफ्ट के अंदर तो बम था, यहाँ पर भाई ये देखो सारे के सारे सीसीटीवी मैन की फैमिली को मार डाला भाई इस आदमी ने। भाई यार ये क्या चल रहा है? और गाइस यार देखो मैं यहाँ ऊपर पड़ा हूँ, पर यार मैं मरा नहीं हूँ भाई, बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका हूँ मैं। मैंने मेरा प्लान सक्सेसफुली काम करा दिया, मैंने इन लोगों को मार डाला, मैंने सीसीटीवी मैन की फैमिली को मार डाला। अब मेरे पास इतना सारा पैसा हो जाएगा, जितना भी पैसा सीसीटीवी मैन के पास है आज से वो सारा सारा पैसा मेरा होगा। मजा आ गया। ओ गाइस यार अब ये कौन आ रहा है गाड़ी लेके, आखिर भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये कौन आ गए भाई घर में? भाई यार क्या चल रहा है भाई सब ये सब? अरे तुमने कर दिया मेरे पति देव, तुमने सीसीटीवी फैमिली को मार डाला। पापा पापा आप तो कमाल के हो पापा, आपने मजा दिला दिया, आपने मेरे दुश्मन के बेटे को मार डाला। ये मेरे को बहुत ज्यादा चिढ़ाता था, ये ले तूने मेरे को बहुत मारा था। तू मेरे को बहुत मारता था स्कूल के अंदर, अब तू नहीं बचा। मैंने इनकी पूरी फैमिली को मरवा दिया। पापा आप तो किंग हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जो असली काम था वो तो अभी दिखाना बाकी है। मैंने इन लोगों की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, देखो यहाँ पर इनके पास कितना सारा सोना है, यहाँ से सारे के सारे सोने को लेके जाएंगे और इससे फिर हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे। ये लो मैंने सारा का सारा सोना उठा लिया यहाँ से। पापा आप तो कमाल के हो पापा। चल मेरे बेटे अब तुझे और मुझे हम दोनों को अपग्रेड होना है, चल अपग्रेड होते हैं। ओ गाइस यार ये क्या भाई साहब, ये दोनों बाप बेटे कितने ज्यादा बड़े हो गए। मेरे को लगता है यार इन्होंने जो पैसा सीसीटीवी मैन का था इन लोगों ने यूज कर लिया है। ओ गाइस यार मुझे यहाँ से जल्दी से जाना होगा, माय गॉड बहुत ज्यादा चोटें आई है मुझे। पर गाइस यार मेरे को लगता है यार यहाँ पर सीसीटीवी मैन जिंदा है, मेरे को लग रहा है इनसे जाके बात करता हूँ। सीसीटीवी मैन सीसीटीवी मैन, अरे सुमित, हाँ मैं जिंदा हूँ सुमित, तुम्हें इनसे बदला लेना होगा, तू मेरी फैमिली का मेंबर है, तूने लोगों को मारना होगा सुमित, तुम्हें जाकर ये सारी की सारी बातें
टीवी मैन को बतानी होगी। क्या टीवी मैन को? हाँ, क्योंकि ये लोग टीवी मैन की फैमिली को भी बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, मैं लोगों को जाके बता दूंगा और मैं आपकी फैमिली का बदला स्पीकर मैन की फैमिली से जरूर लूंगा। आप टेंशन मत कीजिए। चलो गाइज यार, यहाँ से मैं जल्दी से निकलता हूँ यार, लुढ़कते लुढ़कते, बस मेरे को कोई देख ना ले यहाँ पर। चलो गाइज यार, हम लोग बाहर आ गए वहां से, पर गाइज यार मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में शायद मैं रिकवर हो जाऊंगा, पर मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया। हमारी फैमिली कितनी ज्यादा ताकतवर हो गई, पर अभी हमें टीवी मैन की फैमिली को तबाह करना है। चलो अब टीवी मैन के घर पर चलते हैं और एक एक को दूर ले जाके मार डालेंगे उनको भी। हाँ, तुम सही कह रही हो, अब हम जाएंगे टीवी मैन के घर पर और अब टीवी मैन की फैमिली को भी हम लोग मार डालेंगे, फिर हमसे ज्यादा ताकत और फैमिली किसी की भी नहीं होगी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। ओ गाइस यार, तुम्हारा भाई समी बहुत ज्यादा जख्मी है यार, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। पर गाइस फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है टीवी मैन की फैमिली के घर पर। इन लोगों जाके मेरे को सारी बातें बतानी पड़ेगी कि यहाँ पर असल में स्पीकर मैन की फैमिली आएगी इन लोगों को मारने के लिए, बस ये लोग मेरे पे विश्वास कर ले। अरे टीवी मैन की फैमिली, मेरी बात सुनो, बहुत ज्यादा बड़ी वाली मुसीबत आ रही तुम लोगों के ऊपर। अरे तू कौन है रे भाई? अरे मेरा नाम सुमित है और मैं सीसीटीवी मैन की फैमिली के साथ रहता था। सीसीटीवी मैन की फैमिली, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें ये क्या हो गया? अरे रुको, इसको बहुत ज्यादा चोट आई हुई है, पहले मैं इसको मरम पट्टी लगा देती हूँ, फिर रुको एक सेकंड। हाँ शुक्रिया, आपने मेरे को मरम पट्टी लगा दी, पर मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीज समझा देता हूँ। असल में आज सीसीटीवी मैन के बेटे का बर्थडे था, वहाँ पर असल में स्पीकर मैन आया एक गिफ्ट लेके जिसके अंदर बम था और उसने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला। अब वो तुम लोगों को मारने यहाँ पर आ रहे हैं। सच में? हाँ सच में, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा प्लान सुनो और जिससे हम उन्हें हरा सके। अरे मुझे बताओ यार, मुझे मेरी फैमिली को बचाना है। हाँ मेरी बात सुनो, तुम लोग उनको अलग अलग लेके जाना और उसके बाद पीछे से आके मैं एक एक करके उनको मार डालूंगा, ठीक है? अरे अगर नहीं कर पाए तो तुम? तुम टेंशन मत लो, मेरे पर विश्वास करो, वो कभी भी आते होंगे तो मैं छुपता हूँ जल्दी से, ठीक है? जाकर तुम लोग बस इस प्लान के अकॉर्डिंग चलना और हम उनको हरा देंगे, ठीक है? और गाइस यार, जैसा मैंने कहा, देखो ये आगे स्पीकर मैन की फैमिली, बस यार जो मैंने प्लान बनाया वो प्लान एकदम एक्यूरेटली चले और तो भाई फिर हम इनको हरा देंगे। ओके तो गाइस यार, ये लोग आ गए। अरे टीवी मैन, कैसे हो मेरे दोस्त? अरे मैं बढ़िया, तुम बताओ? अरे मैं बढ़िया, असल में हमें सोचा कि आज तुम्हारे घर पर घूमने आ जाते हैं, काफी दिन हो गए न मिले हुए, और मेरे छोटे से नन्हे से हीरो और भाभी जी नमस्ते। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ छुटकू, जा अपने दोस्त को खिलाने लेके जा। और तुम क्या कर रही हो मेरी बीवी? जाओ अपनी भाभी जी के साथ घूमने जाओ, जाओ 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 जल्दी जाओ। अरे पापा आप जो कह रहे वही करेंगे। अरे चलो हम लोग तो घूमने चलते हैं ना, हमें बड़ों के बीच में क्या काम, चलो घूमने चलते हैं। अरे भाभी जी ये लोग आपस में बात करेंगे, हम लोग आपस में बात कर, चलिए आप अपना घर दिखा दीजिए मेरे को जल्दी से। अरे वाह, आपके घर में बाहर भी डाइनिंग टेबल है, ये लोग तो बहुत ज्यादा अमीर है। एक बार इसको दूर ले जाऊं यहाँ से और फिर इसको कोने में ले जाके मार डालूंगी। अरे मेरे लिए तो रुकिए। अरे आ जाइए जल्दी से। अरे मेरे लिए तो रुकिए, मैं आपको दिखाऊंगी मेरा घर। अरे भाभी जी मैं भी तो देख सकती हूँ, आपने तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे उगा रखे हैं। अरे ये क्या, आपके घर में तो गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ एरिया भी है। आपका घर तो सही में बहुत बड़ा है भाभी जी, आप तो बहुत ज्यादा अमीर हो। अरे बस क्या ही बताऊँ अब मैं। अरे एक बार बस मौका मिले फिर ये सब कुछ हमारा हो जाएगा ना। अरे क्या कहो आपने? अरे नहीं नहीं भाभी जी, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलिए एक काम करिए हम लोग ऊपर जाके देखते हैं आपके घर को। अरे वाह यहाँ पर भी देखो एक और डाइनिंग टेबल, यहाँ पर तो आप लोग मस्त शैंपेन पीती हो ना। हाँ भाभी जी हम यहाँ पर शैंपेन पीते हैं। अरे भाभी जी आप कहाँ आगे आगे भाग रही हो, मुझे घर दिखाइए ना, आप क्या डर रही हो मुझसे? अरे नहीं नहीं। अरे भाभी जी कहाँ चली गई, अभी तो आप मेरे साथ ही थी, कहाँ जा रही हो बार बार, घर दिखाइए मुझे। अरे कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ी गंदगी थी उसे हटाने आई थी यहाँ पर मैं। अरे भाभी जी मेरे साथ साथ रहिए ना, अगर आप मेरे साथ साथ नहीं रहेंगी तो मैं आपको मारूंगी कैसे। अरे भाभी जी आपका घर तो सही में बहुत ज्यादा बड़ा है और ये घर काफी जल्दी हमारा हो जाएगा जैसे ही मैं आपको मार डालूंगी। ओ वाओ यहाँ पर आपका छोटा सा बार भी है। अरे इतना बड़ा टीवी मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, कितना बड़ा टीवी है आपका।
और ये मेरा हो जाएगा अब। अरे तुम्हारा घर तो सही में बहुत ज्यादा बड़ा है, मजा आ रहा है यहाँ पर तो, और ये बहुत जल्दी मेरे पापा मम्मी तुमसे छीन लेंगे जैसे हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। अरे तुमने मुझे कुछ कहा है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कहूँगा। अरे वाओ, यहाँ पर तो सोफा भी है, बहुत बड़ा घर है। अरे यहाँ से तो हम लोग पानी में भी कूद सकते हैं, इतना बड़ा स्विमिंग पूल मैंने तो मेरी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा। अरे वाओ, कितना बड़ा स्विमिंग पूल है तुम्हारा। अरे वाओ, कितना गहरा है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है सैमी, मजा आ गया मजा आ गया। अरे यहाँ पर तो एक और छोटा सा बाथटब भी है, ये वाला मेरा और मेरी मम्मी उसमें रहेगी। अरे क्या कह लो तुम, ये तुम्हारा मतलब? अरे मतलब तुम्हारा ना, हम दोनों इसमें खेलेंगे। हाँ, अरे वाओ यार, कितनी मस्त जगह है, एक बार मुझे ये जगह मिल जाए उसके बाद हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे करेंगे। अरे वाओ, कितना खतरनाक वाला स्विमिंग पूल है यहाँ पर, एक और अंदर कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। कुछ देर की बात है, टीवी मैन की फैमिली को मारने के बाद ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, मजा आएगा, कितना गहरा स्विमिंग पूल है। अरे वाओ। अरे जैसा अंकल ने कहा, मैं तो उसे दूल दूल ले लाऊं, मैं तो यहाँ खड़ा हो जाता हूँ चुपचाप, मैं छुप जाता हूँ यहाँ पर। अरे टीवी मैन, तुम्हारे पास तो बहुत तगड़ी कलेक्शन है गाड़ियों की। हाँ, मेरे पास बहुत तगड़ी कलेक्शन है। अरे सही में मजा आ गया इतनी ज्यादा गाड़ियाँ देख के, अब तो ये गाड़ी मेरी हो जाएगी सारी। क्या तुम कुछ कह रहे हो? अरे नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सारी अपने घर की गाड़ी है, सारी सारी। हाँ, अपने सारे घर की ही गाड़ियाँ ये। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार ये मेरे साथ कोने में आ जाए फिर मैं इसको चुपचाप मार डालूंगा, और ये सारी सारी लग्जरी गाड़ियाँ और इतना बड़ा गैराज मेरा हो जाएगा, और फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे को मौका मिले इसको मारने का। अरे तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो क्यों? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये बता देख रहा हूँ कि कौन कौन सी गाड़ी है, कभी देखी नहीं ना इतनी महंगी महंगी गाड़ी। अरे मैं एक बार तुम्हारा ऊपर भी घूम के आता हूँ थोड़ा। अरे तुम भी यहाँ पर ऊपर आ जाओ जल्दी सी, एक बार ये बस ऊपर आ जाए और फिर मैं इसको यहाँ पर मार डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई भी नहीं देखेगा। अरे आ जाओ जल्दी ऊपर आ जाओ, यहाँ टीवी देखेंगे दोनों जने। ओके तो गाइस यार, अब तुम्हारे भाई की बारी है, अब मुझे प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो गाइस यार, अब मेरे को चुपचाप जाना है, मैंने इन लोगों को बोला था कि इनको अलग अलग कोने में छोड़ देना घर के, अब बस मुझे देखना है। ओके तो यार, यहाँ पर टीवी गर्ल छुप चुकी है पीछे, ये रहा टीवी मैन का बेटा, कहाँ पर है बेटे? अले अंकल वो चल में उछ अंदर ले अंदर। अच्छा शुक्रिया बेटे तेरा, शुक्रिया। ओके अब इसको बताता हूँ, ये ले हीरा। तो गाइस यार, यहाँ पर हमने स्पीकर मैन के बेटे को यहाँ पर मार डाला, अब बची है सिर्फ स्पीकर मैन की वाइफ और स्पीकर मैन खुद। अब स्पीकर मैन की वाइफ कहाँ पर है? अले वो असल में वो अंदर है। अच्छा अंदर है। गाइस यार देखो कहाँ पर है यार ये, इसको बस एक बार दिख जाए मेरे को, इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। इसने यार हमारी सीसीटीवी मैन की फैमिली को मार डाला, इन लोगों से बदला लेना तो जरूरी है यार। कहाँ पर है ये री? तेरी है तैसी, ये ले। भाई साहब मैंने इसको भी मार डाला फाइनली। ओ भाई जिंदा तो नहीं है कहीं पर? गाइस यार अब मर गए, देखो इसने गन छोड़ दिए तो ये मर चुकी है। अब सिर्फ मेरे को मारना है किसको? स्पीकर मैन को, वो ऊपर है टेरेस पे। तो गाइस ये बचा है स्पीकर मैन फाइनली, इसको भी मार देता हूँ। ये ले। अरे कौन है? गाइस यार मैंने पूरी पूरी स्पीकर मैन की फैमिली को मार डाला। अगर गाइस यार टीवी मैन की फैमिली मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं इन तीनों को कभी नहीं मार पाता। तो गाइस यार देख रहे हो, ये रे तीनों के तीनों द्रोही। तुम्हारा शुक्रिया टीवी मैन, तुमने मेरी बात के ऊपर विश्वास किया, और तुम सभी लोगों का शुक्रिया, मैंने मेरी फैमिली सीसीटीवी मैन की फैमिली का बदला ले लिया इन लोगों से। ये तीनों आकर वहां पर बर्थडे वाले दिन उस छोटे से बच्चे को मार डाला, और साथ में सीसीटीवी की मम्मी और सीसीटीवी को भी मार डाला। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, अगर तुम टाइम पर नहीं आते और हमें सब कुछ नहीं बताते तो लेकिन हमें ही मार डालते। अरे मेरे पापा तय कह ले अंकल, आप अगर आप आते ही नहीं ना तो ये लोग हमें मार देते। अरे हाँ तुम आगे वरना ये हमें ही मार देते। ओके गाइस यार यहाँ पर हमने अपनी सीसीटीवी मैन की फैमिली का बदला ले लिया है स्पीकर मैन की फैमिली से। अगर आप और आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन मिला लेना। तो गाइस यार हमने अपना बदला ले लिया है। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले बैठ के आए थे आज से सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे उसको नहीं गेम प्ले में, जब तक ले सायोनारा।